Hey guys, this is Sarfaraz and you are watching OnlyTalk. दोस्तों जैसा कि स्वामी ने प्रॉमिस किया था कि अपने स्वामी के डिवाइस में वो जून के आखिरी में पब्लिक ग्लोबल बीटा रोम है जो उसे रिलीज कर देगा, जिससे हम लोग अपने अपडेटर ऐप के थ्रू डायरेक्टली हम लोग उसे फ्लैश कर सकते हैं, अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं इवन ऑन लॉक्ड बूटलोडर। जी हाँ दोस्तों, इस अपडेट को अपने डिवाइस में फ्लैश करने के लिए हम लोग अपने डिवाइस का बूटलोडर को अनलॉक नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरह कोई भी रिकवरी नहीं चाहिए। इसे हम लोग डायरेक्टली अपनी सेटिंग में आने के बाद जो हम लोग का सिस्टम ऐप होता है हम लोग डायरेक्टली वहां से उसे फ्लैश कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें सेटिंग आने के बाद जो सिस्टम अपडेट होता है वहां पर जाने के बाद हम लोग ये थ्री डॉट जो है उस पर क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आ रहा है चूज अपडेट पैकेज, तो हम लोग इसे यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली अपने डिवाइस में अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि स्वामी ने प्रॉमिस किया था कि वो जुलाई के अगली में सपोर्टेड डिवाइस में जो है वो पब्लिक ग्लोबल बीटा रोम रिलीज कर देगा, तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं जो MIUI 10 जो ग्लोबल पब्लिक बीटा रोम है जो सपोर्टेड डिवाइस है वो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट बैच है उसका जो अपडेट है 8 जुलाई में उसे रिलीज कर दिया। तो दोस्तों ये अपडेट जो ये कल ही रिलीज हो चुका है इन सपोर्टेड डिवाइसेस में, Mi 6, Mi Mix 2, Redmi Note 5 Pro और भी लिस्ट ऑफ डिवाइसेस है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं आपको सभी सपोर्टेड डिवाइसेस का लिस्ट आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना। तो दोस्तों Xiaomi जो है वो MIUI 10 ग्लोबल पब्लिक बीटा रोम में जो है वो तीन बैचेस में इन सभी डिवाइसेस के लिए रिलीज करने वाला है। तो जो पहला बैच था वो 8 जुलाई को रिलीज कर चुका है जो यहाँ पे है सपोर्टेड डिवाइस, और जो सेकेंड बैच है वो 8 जुलाई में रिलीज होगा इन सभी सपोर्टेड डिवाइसेस में, और जो तीसरा बैच है थर्ड बैच वो अर्ली अगस्त में रिलीज हो जाएगा इन सभी सपोर्टेड डिवाइस में। दोस्तों मैं लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना। तो दोस्तों जैसा कि 8 जुलाई में फर्स्ट बैच के लिए ये रोम रिलीज हो चुका है, तो ये रोम जो है कल ही रिलीज हो चुका था हम लोगों के इन सभी सपोर्टेड डिवाइसेज में। तो मैं जो अभी हूँ ये Redmi Note 5 Pro यूज कर रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको सेटिंग्स में दिखा दूँ, जो मेरा फोन है Redmi Note 5 Pro, मेरा जो MIUI वर्जन है MIUI 10 ग्लोबल 8.7.5 बीटा, यानी 5 जुलाई 2018 का रिलीज कर दिया था, आज का डेट है 6 जुलाई 2018। तो दोस्तों Xiaomi ने इन सभी डिवाइसेस के लिए जो लिंक है वो अपने कम्युनिटी फोरम में अपडेट कर दिया है, मैं उन सबका डाउनलोड लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर डाउनलोड लिंक्स है MI 6 के लिए, MI Mix 2 के लिए जो वर्सन है ग्लोबल वर्सन वो 8.7.5 है। तो दोस्तों मैं सभी सपोर्टेड डिवाइस का लिस्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और सभी जो डाउनलोड लिंक्स है मैं उसका भी लिंक्स वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से चेक कर लेना। और दोस्तों जब वहां पे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करेंगे तो हम लोग जो वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो ग्रुप है और जितना भी सोशल नेटवर्क साइट है आप मुझे वहां पे फॉलो कर लें, मैं उन सभी जगहों पे उन सभी प्लेटफॉर्म पे Xiaomi के रिलेटेड नए नए अपडेट्स मैं वहां पे डालता रहता हूं, तो ध्यान दें आप मुझे वहां पे फॉलो कर लें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपने कल के लास्ट वीडियो में दिखा दिया था, अगर आपको नहीं पता तो मैं ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग MIUI 10 को अपने Redmi Note 5 Pro में वो भी लॉक्ड बूट लोडर में कैसे फ्लैश करेंगे अपडेटर ऐप के थ्रू। हम लोगों ने कोई कस्टम रिकवरी का इस्तेमाल नहीं किया था और हम लोगों का डिवाइस कोई बूट लोडर अनलॉक नहीं था, हम लोगों ने इसे डायरेक्टली अपडेटर ऐप के थ्रू फ्लैश किया था। तो मैं इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर देख लेना, आई बटन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं जो ऑफिशियल जो रोम होता है ऑफिशियल रोम होता है वो दो तरह का रोम होता है, एक रिकवरी रोम होता है और एक होता है फास्ट बूट रोम। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सभी डिवाइसेस के लिए दो रोम अवेलेबल है, एक रिकवरी रोम और एक फास्ट बूट रोम। तो जो रिकवरी रोम होता है उसे हम लोग या तो कस्टम रिकवरी के थ्रू फ्लैश कर सकते हैं या फिर हम लोग अपने अपडेटर ऐप के थ्रू फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये पब्लिक बीटा रोम है, पब्लिक रोम है, ऑफिशियल रोम है, तो हम लोग इसे अपडेटर के थ्रू फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अनऑफिशियल रोम है तो हम लोग इसे अपने अपडेटर के थ्रू अपडेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ओपन पब्लिक बीटा रोम है, तो हम लोग इसे डायरेक्टली अपने अपडेटर ऐप के थ्रू फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन जो क्लोज बीटा रोम होता है तो हम लोग उसे अपने अपडेटर ऐप से फ्लैश नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्लोज रोम होता है कुछ टेस्टर के लिए दिया जाता है ताकि वो लोग टेस्ट करें और उस रोम में कोई बग है या कुछ प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो उसे सॉल्व करें, उसे फिक्स करके बाद में स्टेबल वर्जन रिलीज होता है। तो जैसा कि ये रोम जो है ये भी एक बीटा रोम है, तो दोस्तों इसमें भी कुछ बग्स हैं
इसमें भी कुछ फीचर्स नहीं है, इसमें भी कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं है, कुछ बग्स है, तो मैं उन सभी के बारे में आगे डिस्कस करूंगा वीडियो में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और जैसा कि मैं बता दूं कि जो रोम होता है वो दो तरह का होता है, रिकवरी रोम एक फास्ट बूट रोम। तो दोस्तों इन रिकवरी रोम क्या होता है, फास्ट बूट रोम क्या होता है, इन दोनों के बारे में मैं आने वाले कुछ दिनों में एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों रोम में क्या फायदा है, क्यों हम लोग को फास्ट बूट रोम यूज करना चाहिए, क्यों हम लोगों को रिकवरी रोम यूज करना चाहिए, इन दोनों का क्या फायदा, इन दोनों का क्या नुकसान है, इन सभी का डिटेल्स मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सोशल नेटवर्क साइट पे सभी सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लें, ताकि आप Xiaomi के रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो पब्लिक ग्लोबल बीटा रोम है वो कल ही रिलीज हो गया था और मैंने अपने डिवाइस में कल ही फ्लैश कर लिया था और मैं उसका उसमें जो है मेरे चैनल पर लाइव है। आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, या मैं वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पर चेक कर लेना। तो दोस्तों उस वीडियो में मैंने सिर्फ बताया था कि कैसे हम लोग उसे फ्लैश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ कि उस MIUI 10 है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं MIUI 10 है, 8.7.5 वीकली है। इसमें क्या क्या फीचर्स नया आया है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है, क्या क्या बग है, सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि एक बीटा रोम है तो इसमें कुछ बग होगा, लेकिन सब कोई बात नहीं है, ये जो बग है इसे फिक्स कर दिया जाएगा नेक्स्ट बिल्ड में, नेक्स्ट अपडेट में। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैमरा से। जैसा कि आप कैमरा में देख रहे हैं, कैमरा में ये जो पोर्शन है जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पोर्शन को खाली कर दिया गया है। यहाँ पर पहले था वाटर मार्क का ऑप्शन था, जिसे अंदर में डाल दिया गया है। सेटिंग जाने पर मैं आपको दिखा दूं, ये जो वाटर मार्क देख रहे हैं आप, डुअल कैमरा वाटर मार्क, ये पहले ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल था। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि Xiaomi ने अपने जो चाइनीज रोम में यहाँ पे एक फीचर डाला, AI का फीचर डाला है। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी हम लोग ग्लोबल डिवाइस में भी अवेलेबल हो जाए, यहाँ पे AI का फीचर आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस अपडेट में जो कैमरा है वो काफी इम्प्रूव हुआ है, तो मैं आपको दिखा दूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फोटो है ये पोर्ट्रेट मोड में लिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बोतल है ये काफी अच्छे से फोकस है। ये नॉर्मल मोड में लिया गया है, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोतल जो है ये काफी अच्छी तरह से फोकस है। और ये मैंने स्काई का फोटो लिया था, डे लाइट में लिया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है। तो कैमरा में जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो कैमरा में जो काफी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप ये भी देख सकते हैं, ये HDR मोड में लिया गया है, HDR ऑटो मोड में लिया गया है, तो आप इसका HDR देख सकते हैं, काफी अच्छे से फोटो लिया हुआ। और ये देख रहे हैं वीडियो है, आप देख रहे हैं इस वीडियो में काफी अच्छी तरह से फोकस हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसे काफी अच्छी तरह से फोकस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिख रहा है, तो फोकस जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो काफी अच्छे तरीके से फोकस हो रहा है, फास्ट फोकस हो रहा है। तो कैमरा इसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो ईट है, ईट को पोर्ट्रेट मोड में लिया गया है। इस ईट को फोकस करके हम लोगों ने फोटो लिया है, तो आप देख सकते हैं कि जो ईट है ये काफी अच्छी तरह से फोकस में है और ये काफी डिटेलिंग इस फोटो में है। और आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड ये ब्लर है, ये नॉर्मल मोड में लिया गया है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं, इस कैमरा में जूम पोर्ट्रेट मोड है वो काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ, जूम पोर्ट्रेट मोड काम नहीं कर रहा था। हम लोग कैमरा को ओपन करेंगे और जब आप पोर्ट्रेट मोड में जाएंगे हम लोग, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो फोटो है मैंने जूम पोर्ट्रेट मोड में लिया था, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी जूमिंग नहीं है, कोई भी जूमिंग इफेक्ट यहाँ पर नहीं आया है, ये नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड में फोटो आया है। जैसा कि इस वाले में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड में फोटो आया है, तो इसमें एक बग मुझे दिखा है जो जूम पोर्ट्रेट मोड काम नहीं कर रहा है। बाकी उसके अलावा जितना भी कैमरा है उसे काफी अच्छी तरह फिक्स कर दिया गया। और ये आप देख सकते हैं ये लो लाइट में फोटो लिया गया है, क्लियरिटी देख सकते हैं लो लाइट में पोर्ट्रेट मोड में लिया गया है। इसे लो लाइट में
नॉर्मल मोड में लिया गया है, और याद देख सकते हैं ये रात के टाइम में लिया गया है पोर्ट्रेट मोड में। जूम पोर्ट्रेट मोड काम नहीं कर रहा, आगे सब कुछ अच्छी तरह से काम कर रहा है। ठीक है तो दोस्तों ये रहा इसमें जो कैमरा मुझे इम्प्रूवमेंट हुआ, कैमरा मुझे बैक मैंने वो दिखा दिया। और जो वीडियो में है देख सकते हैं कि वीडियो में अभी भी कोई भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, और जो सिर्फ यहाँ पर फुल एचडी में फुल एचडी 30 FPS से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो क्वालिटी आ रहा है यहाँ पर फुल एचडी 1080p 30 FPS। अभी भी 4K का सपोर्ट नहीं है, आशा है कि बहुत जल्दी अपडेट शामी इस अपडेट देते, क्योंकि 4K एट 60 FPS ऑलरेडी अवेलेबल है चाइना बिल्ड में, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी भी हम लोग के डिवाइस में अवेलेबल हो जाए। दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ कि जो इस बिल्ड में जो चेंजेस आया हुआ, जैसा कि शामी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है, जैसा कि शामी यहाँ बता रहा है MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम 8.7.5 फुल चेंज लॉग एंड डाउनलोड लिंक्स। तो डाउनलोड लिंक्स नीचे दिया हुआ है, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो चेंज लॉग है मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है फुल चेंज लॉग। तो दोस्तों यहाँ पे LDAC फंक्शनली फॉर ब्लूटूथ, दोस्तों ये एक ऐसा फीचर्स है जो हम लोगों का जो ब्लूटूथ हम लोग का एयरफोन होता है हेडसेट होता है उसकी साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। अगर हम लोग इस फीचर्स को LDAC फीचर्स को इनेबल कर देंगे तो दोस्तों ये हम लोग का डिवाइस का जो हम लोग का ब्लूटूथ हेडसेट का जो साउंड क्वालिटी है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा दूँ इसे इनेबल कैसे करना है, तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को डेवलपर ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता है कि डेवलपर ऑप्शन कैसे हम लोग इनेबल करते हैं, भाई वही वर्सन पर मल्टीपल टाइम्स टैप करेंगे तो हम लोग का डेवलपर ऑप्शन जो ऑन हो जाएगा, जो हम लोग एडिशनल सेटिंग में जो पाया जाता है। तो एडिशनल सेटिंग जाने के बाद मैं आपको दिखा दूँ जो डेवलपर ऑप्शन है उसको हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लूटूथ ऑडियो LDAC। ठीक है यहाँ पे तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है जो पहले से प्रीसेट किया हुआ बेस्ट एफर्ट एडेप्टिव बिटरेट आप इसे ही चूज करें। बाकी आप एक एक करके सबको चेक कर सकते हैं आपके लिए कौन सा सेट आपके लिए बेस्ट आ रहा है, तो आप उसे अपने लिए रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसे इनेबल करने के बाद हम लोग का जो बैटरी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मैंशन किया गया है न्यू LDAC फंक्शन पर ब्लूटूथ गेट बेटर साउंड क्वालिटी ऑन सपोर्टेड डिवाइसेस। दोस्तों जो सपोर्टेड डिवाइस है वो एंड्रॉइड ओरियो MIUI 10 पे अवेलेबल है। ठीक है अगर आपका डिवाइस एंड्रॉइड ओरियो पर नहीं है और MIUI 10 पे भी नहीं है, MIUI 10 अगर आपका डिवाइस MIUI 10 और एंड्रॉइड ओरियो दोनों पर होना चाहिए तभी ये सपोर्ट है। अगर आपका डिवाइस जैसे कि सिर्फ MIUI 10 है तो ये अभी तक एंड्रॉइड पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है सपोर्ट डिवाइस अवेलेबल है, और यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि फीचर को ऑफ करके अगर आप एक्सटेंड बैटरी लाइफ चाहते हैं। जो दूसरा हाईलाइट फीचर है न्यू है ट्रेंडिंग म्यूजिक, हम लोग MI म्यूजिक जो एप्लीकेशन है उसमें जो ट्रेंडिंग म्यूजिक वीडियो जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है, ये सिर्फ इंडिया के लिए अवेलेबल है। तो हम लोग उसके लिए जाएंगे MI म्यूजिक में। म्यूजिक में जाने के बाद अभी जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑनलाइन म्यूजिक ऑप्शन जो आ रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऊपर में दिख जाएगा ट्रेंडिंग म्यूजिक वीडियोज, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है जो वीडियोज वो हम लोग यहाँ पे सजेस्ट कर देगा। तो ये चेंजेस आया है, ये अपडेट आया है इस बिल्ड में, इस MIUI 10 8.7.5 में। उसके बाद दोस्तों ये कुछ फिक्सेस यहाँ पे किया गया, ट्रांसलेशन इश्यू विथ ऑल लैंग्वेज ग्लोबल है MI 5S में। तो दोस्तों मेरे पास MI 5S नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, मैं कुछ चेक करके दिखा नहीं सकता हूँ। और ये जो दूसरा ऑप्शन है और ये लोकलाइजेशन है जिसे फिक्स किया गया है, क्लियर है कंटेंट डजन ट्रांसलेट टू रशियन इन फाइल मैनेजर, तो फाइल मैनेजर में भी कुछ फाइल जैसे फिक्स कर दिया गया है। तो दोस्तों इसके अलावा जो चेंजेस है मैं आपको बता दूँ, ये तो चेंज लोग है अकॉर्डिंग टू शाओमी है, लेकिन मैंने जो नोटिस किया है जैसा कि ये एंड्रॉइड 8.1 पे बिल्ड है तो हम लोग को एक ऑप्शन आ गया है, एक फीचर अवेलेबल हो गया है कि हम लोग इसे इस नोटिफिकेशन को हम लोग स्नूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसे लेफ्ट से राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, एक सेटिंग का आ रहा है एक स्नूज का आ रहा है। तो हम लोग सेटिंग में अगर जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर और भी सेटिंग्स आ रहा है, बहुत सी सेटिंग्स खुल गया। और अगर इसे हम नॉर्मली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे इस घड़ी वाले आइकन पे तो हम लोग का ये जो है इस न्यूज के लिए टाइम पूछेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस न्यूज 1 आवर, तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट 30 मिनट और 2 घंटे के लिए हम लोग इसे इस न्यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन है 15 मिनट के बाद वापस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये चेंजेस मुझे दिखा है, बाकी MIUI 10 है उसकी पैनल को चेंज कर दिया गया है।
वॉल्यूम स्लाइडर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसे चेंज कर दिया गया है, रिसेंट ऐप को चेंज कर दिया गया है। अगर हम इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हम लोग को तीन ऑप्शन आ जाएगा, लॉक करने का, सेटिंग में जाने का और मल्टीटास्किंग का, स्प्लिट स्क्रीन का। दोस्तों अगर चाहते हैं MIUI 10 पे, मैं आपके लिए MIUI 10 का फुल वीडियो लेकर आऊँ तो मैं ऊपर में पोल दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे पोल दे दूंगा, आप मुझे वहां पे बता देना तो मैं आपके लिए MIUI 10 का फुल रिव्यू ले आऊंगा। दोस्तों बैटरी भी इस बिल्ड में, दोस्तों ये अपडेट तो कल ही आया है तो इट्स टू अर्ली टू से इस बैटरी बैकअप, बट अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स बैटरी मुझे ठीक ठाक मिली है, मुझे बैटरी से कोई शिकायत नहीं है। आप देख सकते हैं बैटरी भी मुझे दोस्तों, जैसा कि ये MIUI 10 एंड्रॉइड ओरियो पर बेस्ड है तो हम लोग का जो ये डुअल 4G इसमें अच्छी तरह काम कर रहा है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं डुअल 4G है तो हम लोग जो दोनों सिम है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों सिम हम लोग का 4G सिम है, डुअल 4G यहाँ पे काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग एक सिम से वोल्टी सिम से कॉल करेंगे तो हम लोग दूसरे सिम पे नेट चला सकते हैं। उसे हम लोग इनेबल करने के लिए यहाँ पे इसे हम लोग इनेबल करना होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको रिप्लाई तुरंत देने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर Xiaomi के रिलेटेड बहुत से अपडेट्स लाता रहता हूँ। दोस्तों